सेंसर बोर्ड ने एक खुद का लिए नया लोगो तैयार किया और एक क्यूआर कोड सहित एक अच्छी फिल्म सर्टिफिकेशन का भी नमूना बनाया है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया की है। पहले सेंसर बोर्ड में कोई ना कोई मिडिलमैन होने के सिवा आपका नंबर लगेगा कि नहीं ये पता नहीं चलता था। अब ऑनलाइन के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कोई शिकायत जो पहले होती थी नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सुधार है। आज कलाकारों से मैंने अनेक विषय बताए, उसमें मैंने एक कहा कि नए सेंसिबिलिटीज़ को हम हमारे फिल्म दुनिया में कैसे जोड़ें। जैसे जो दृष्टिबाधित है उनको फिल्म देखते समय वो कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और सुन सकते हैं, लेकिन जब दो संवादों में 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक मिनट का गैप होगा तो उसमें क्या हो रहा है सिनेमा में ये उनको नहीं समझता। तो कुछ नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने शोध किया, ऐप तैयार किया कि उसमें वो फिल्म का नरेशन, ये जब संवाद नहीं होता तब नरेशन भी आएगा और ऐप से उनको संवाद और नरेशन कंटिन्यूस दो घंटे ढाई घंटे जो भी फिल्म का अवधि होगा वो पूरा दिखेगा और इसके लिए खर्चा भी बहुत कम आने वाला है। तो वो भी मैं प्रोड्यूसर को लिखूंगा और हम टीवी पर भी जो सुनाई में जिनको प्रॉब्लम है और उसके लिए साइन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूरदर्शन पे हम न्यूज़ दिखाते हैं रोज़, लेकिन बाकी भी चैनल्स ये सप्ताह में कम एक बार दिखाए इसके लिए हम ये कर रहे हैं। और बाकी मैंने संवाद किया है सभी फिल्म के स्टेक होल्डर्स से और उनसे सुझाव भी मांगे हैं। बहुत अच्छा रहा इंटरेक्शन जावड़ेकर साहब के साथ और फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मुद्दे थे, कई इश्यू थे, उसके बारे में हमने बात की, सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर और कई ऐसी चीज़ें सी, और अच्छा लगा। मेरे ख्याल से इस तरह का वार्तालाप होना चाहिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और इंडस्ट्री के तमाम लोग थे साथ में, तो बहुत ही अच्छा एक मीटिंग रहा एंड वेरी हैप्पी, द इंडस्ट्री इज़ वेरी हैप्पी विद द सेंसर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड विद द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं काफ़ी परिवर्तन आया है एंड जैसे मैंने कहा ये गवर्नमेंट है, दे वॉक द टॉक करती है, बातचीत करती है, संवाद करती है, ये मुझे अच्छा लगता है कि ये गवर्नमेंट हमेशा जब जब इनके पास कुछ परिस्थिति में हम रिक्वेस्ट करके जाते हैं या उनके बारे में हम बोलते हैं अपने पिक्चरों को लेकर, तो दे ऑलवेज, इससे पहले भी मोदी जी भी इंडस्ट्री के तमाम लोगों को दो बार मिल चुके हैं और कहीं अपने सर्विस शख्स के मुद्दे को लेकर या किसी और चीज़ के मुद्दे को लेकर, सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर और सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर, ये हमेशा गवर्नमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव रही है और मैं बहुत बधाई दूंगा पूरी गवर्नमेंट को
सेंट्रल गवर्नमेंट को और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और सेंसर बोर्ड को। थैंक यू। तो होता है इस तरह का, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता था कि जब कुछ ऐसे आप जब एडल्ट सर्टिफिकेट होता है तो कट्स जो है वह कुछ कट्स दिए जाते हैं कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि शाम बेगल बैनेगल की कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, जो कि मंत्री जी ने बोला कि वो जल्द आने वाली है, उसके अंदर जो जो रेटिंग सिस्टम है वो डेफिनेटली अप्लाई होगा। उसी का वेट कर रहे हैं कि ताकि इस बार बार ये यूए और यूए अपना जो यू सर्टिफिकेट और यूए सर्टिफिकेट एडल्ट ना हो, मतलब वो अगर रेटिंग एज वाइज हो जाएगी तो बहुत सही रहेगा। पर आज जो बात हुई है और CBFC के जो जो नए जिस तरह का नया लोगो बना है और जो ट्रांसपेरेंसी हुई है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती हैं उससे फास्टर हो रहा है, तो इट्स ए ग्रेट थिंग एंड टुडेज डे वाज गुड इंटरेक्शन। थैंक यू। इट वाज अ ग्रेट सेशन विद आवर प्राइम मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। अ फैंटास्टिक लोगो रिलीज बाय द CBFC, वेरी इंस्पायरिंग द चेंजेस एंड developments in this entire process of CBFC, where digitally there's so much of improvement and so much of upgradation, is quite exciting. A great question answer session also with Prakash Jamdekar ji and Prashant Joshi. Congratulations to him for taking CBFC ahead as far as digital is concerned, as far as modernity is concerned. And I'm sure we will, as an industry, together work with CBFC in making good films and taking Indian cinema to a different level. Thank you. देखिए क्या है कि ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि मंत्री यहाँ आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बम्बई और दिल्ली में जो है डिस्टेंस कम होना चाहिए, हमको उनको मिलना चाहिए, उनको हमको मिलना चाहिए, हमको अपनी समस्याएं उनको बतानी चाहिए, उनको उनका समाधान हमको देना चाहिए। अगर उनकी कुछ समस्या हो जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका आना और ये आपस में जो हमने बातचीत की है ये एक ही बार हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि हर दो तीन महीने में एक चक्कर लगा लें, चाय का कप पी के हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि क्या ठीक है क्या गलत है और क्या इम्प्रूव हो सकता है। हाँ, वो क्या है कि वो जो फिल्म आती है जब हम सिनेमा देखते हैं कि सिगरेट मत पियो, वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनती कई बार। वो एक राहुल द्राविड़ की हमने देखी थी, उन्होंने इंग्लिश में बोला, उसके ऊपर हिंदी चपकाई है, आप वो देखा दीजिएगा पिक्चर इस इंटरव्यू के बाद, तो वो अच्छा नहीं लगता। ना राहुल द्राविड़ जी के लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना हमारे जो इम्प्रेशन पड़ता है वर्ल्ड सिनेमा पे अच्छा नहीं है। तो मैंने ये कहा कि अगर वो चाहें तो हम एक अच्छी फिल्म बना के सरकार को दे सकते हैं, ताकि वो अच्छी फिल्म, हमारी अच्छी फिल्में जो हम मेहनत करके बनाते हैं, उसके पहले भी जो फिल्म चले वो भी अच्छी। मैं ये मानता हूँ कि जो फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो किसी को आहत करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए फिल्म नहीं बनाते। कई फिल्में जो हैं वो ऐसे विषय हो सकते हैं जो थोड़े अनकम्फर्टेबल हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंटेंट क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वो चीज़ आपके मन में हो, तो उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि जब फिल्म मेकर से आप कहते हैं, हो सकता है कि शायद आपने ये चीज़ इस तरह से न सोची हो। क्योंकि CBFC का रोल क्या है, CBFC में कौन लोग काम करते हैं, CBFC में हाउसवाइफ्स हैं, CBFC में टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आम जीवन से जुड़े हुए लोग होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगेगी, ये उनको उनका एक फ़िल्टर होता है। तो मैंने ये प्रयास किया कि फिल्म मेकर्स और कमेटी के बीच और लोगों के बीच एक पुल का काम करें और बातचीत से चीज़ों को सुलझाएं। किसी पर अविश्वास करके या टकरावट की स्थिति से मुझे परहेज़ है, और मैं मानता हूँ कि विचार विमर्श जो है उनसे सॉल्यूशंस निकलते हैं, विवादों से कुछ नहीं हासिल होता। ये हमारा पूरा बोर्ड CBFC का, मैं उन पर बहुत उनका आभारी हूँ, जिस तरह से वो उन्होंने काम किया है, सतत काम किया है, और CBFC के ऑफिसर्स जिन्होंने काम किया है पिछले दो सालों से, हमारा दो साल हमारे इस बोर्ड के पूरे हो गए हैं, हमारी कल बोर्ड मीटिंग भी होगी इसके बाद। तो हमें ये लगा कि एक जो इंडस्ट्री के साथ डायलॉग बहुत ज़रूरी है, हमें ये जानना, एक तो फॉर्मली हम मिलते ही रहते हैं, हमने बहुत सी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज़ की हैं, बहुत से इंटरेक्शन हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, लेकिन उसके अलावा इनफॉर्मली मिलना, बैठ करके एक दूसरे की बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आयोजन किया गया था, और मुझे खुशी है कि मिनिस्ट्री ने इसमें पूरा सहयोग किया है, मिनिस्टर साहब स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और वो भी बातें इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनसे वो बातें सुनेंगे, और ये इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है एक
रास्ता खुलता है, कल क्या करना है कोई कमरे में बैठकर डिसाइड नहीं कर सकता। जब तक चर्चा ही नहीं होंगी, विचार विमर्श नहीं होंगे, तो हमें कैसे पता लग गया कि क्या समस्याएं हैं, कैसे दूर करनी है। सीबीएफसी में हमने कोशिश की है कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो जो हमसे कंसर्न हो, उसके बाद भी हम, चाहे वो हमसे कंसर्न ना भी हो तब भी हम उसमें अपना सहयोग देते हैं। चाहे वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड की समस्या थी उसको हमने आगे लेके गए, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, हमें लगा कि हम यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। हम एक बॉडी के हैसियत से अपना कोशिश करते हैं कि वो कर्तव्य निभाए। इंडस्ट्री के जितने भी एसोसिएशंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे देश के कई सुपरस्टार्स हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत से आपको लोग यहाँ पर मिलेंगे जो भी यहाँ पर शहर में थे। अच्छा फीडबैक मिला, इट्स ग्रेट, बिकॉज जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे द सेंसर बोर्ड इज एड्रेस्टेड एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस एसोसिएशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द सेंसर बोर्ड। सर्टिफिकेशन आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज दिस इज वॉट वी नीडेड एंड प्रसून सर एंड प्रकाश सर हैव रियली रियली एड्रेस्ड द इश्यूज वेरी वेल। थैंक यू।